आपको फायरफॉक्स पोर्टेबल का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपने करना क्या है कि उस लिंक से पोर्टेबल फायरफॉक्स को डाउनलोड करके अपने पास एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको डबल क्लिक करके आप रन करेंगे तो ये विन आर आर की पॉपअप ओपन हो जाएगी। इसमें डेस्टिनेशन फोल्डर आ रहा होगा, ये आपने याद रखना है कि अमूमन ये जिधर आपकी एक्जी फाइल पड़ी हुई है वहीं पर ही एक्सट्रैक्ट करेगा, लेकिन हो सकता है कि आपके सिस्टम वेरिएबल की वजह से ये कहीं और एक्सट्रैक्ट कर दे। स्टॉप पे क्लिक कर देना है आपने। और ये फायरफॉक्स की पोर्टेबल इंस्टॉलेशन को एक्सट्रैक्ट कर देगा। ये दोबारा अपीयर हो गया एक बग की वजह से, इसे आप क्लोज़ कर दें। ये देखें फायरफॉक्स पोर्टेबल के नाम से एक फोल्डर बन चुका हुआ है, इसे ओपन कर लें। इसमें फायरफॉक्स पोर्टेबल को आप चला लें। हमने इसमें लास्ट पास की एक्सटेंशन को ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया हुआ है। आपने करना क्या है कि लास्ट पास के ऊपर एक अकाउंट बनाना है और उस अकाउंट की जो ईमेल आईडी है वो आपने हमें प्रोवाइड करनी है। उसके ऊपर फिर हम लोग आपके साथ अकाउंट्स की लॉगिन डिटेल शेयर करेंगे। उसका भी मैं तरीक़ेकार आपको बता देता हूँ। ये लास्ट पास एक्सटेंशन का आइकन आ रहा है, तो मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है न्यू टू लास्ट पास। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप सिंपली उसे लॉगिन कर लें, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर नहीं है अकाउंट तो फिर ये बड़ा इसका सिंपल सा मेथड है, क्रिएट एन अकाउंट नाउ पर क्लिक कर दें और यहाँ पे हम एक ईमेल आईडी देंगे। I have read and agree with terms of services and privacy statement. इसको हम acknowledge कर देंगे और create account पे click कर देंगे। वो हमसे master password का दोबारा पूछ रहा है। ये basically हमारे account का password है जो last pass के ऊपर हम create कर रहे हैं और create account पे हम click कर देंगे। अब last pass का account create हो जाएगा और ये हमें एक टूर देंगे, इसे हम स्किप भी कर सकते हैं। ओपन माय वॉलेट। आपने अपने लास्ट पास अकाउंट के सिर्फ ईमेल आईडी हमें प्रोवाइड करनी है, पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। आप जब हमें ईमेल आईडी अपनी दे देंगे तो हम उसके ऊपर अपने अकाउंट्स के पासवर्ड्स आपके साथ शेयर करेंगे। अभी मैं आपको शेयर करके भी दिखा देता हूँ कि उन इनविटेशंस को आपने एक्सेप्ट कैसे करना है।
आईडी पे हम पासवर्ड शेयर करते हैं। रिफ्रेश कर लें, आप ये देखेंगे कि शेयरिंग सेंटर पे आपको एक नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, अब दो आ चुके हुए हैं, इस पर क्लिक कर लें। शेयर्ड विद मी के टैब पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट ले जाएगा, अब मैं एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना। फिर ये पूछेगा कि किस फोल्डर में रखना है, सिंपली आपने सेव पे क्लिक कर देना है। इसी तरह आपने रजिस्ट्री को भी सेव कर लेना है। अब आप अगर कोई भी वेबसाइट ये दोनों में से खोलेंगे तो ये खुद ब खुद ही आपको लॉगिन करवा देगी। साइन इन ये खुद ब खुद ही आपको लॉगिन करवा देगा, आपको क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी साइन इन के बटन को। इसी तरह मजिस्टिक का भी लॉगिन पे क्लिक करें और ये पासवर्ड आपका प्री फिल हो चुका हुआ है, इसको लॉगिन कर लें। दोबारा उसने पासवर्ड फिल कर दिया, कंटिन्यू लॉगिन। और ये अकाउंट भी आपका लॉगिन हो गया। इसी तरह आपको बाकी के अकाउंट्स की भी डिटेल सेंड कर दी जाएगी।